कैसे हैं सब लोग। दानंग में हूँ, वियतनाम में, और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे बाना हिल्स करके प्लेस है, जो आपके पीछे देख रहे हैं मेरे केबल कार है, उसको राइड करके ऊपर जाते हैं। मॉर्निंग में आया था मैं, और कुछ 4 to 5 hours हो गए, ज़्यादा टाइम लेके आना। क्लूक से मैंने बुक किया ऑनलाइन, यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी आप बुक कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एनर्जी काफ़ी चाहिए। तो टिप्स पहले दे रहा हूँ, कुछ खाने वाने को साथ में लेके आओ, क्योंकि ऊपर बहुत एक्सपेंसिव है, पानी 2 liters कम से कम, और बहुत वॉक करना पड़ेगा। कैप लगेगी अगर धूप ज़्यादा है तो, सनग्लासेस या सनस्क्रीन आपके ऊपर है, अम्ब्रेला लेके आना अगर बारिश हो रही है, या रेनकोट, क्योंकि ऊपर हाइट पे है तो बारिश होती है, हुई आज भी, आगे का पता नहीं, आप कब आ रहे उस पर डिपेंड करता है। ऊपर रेस्टोरेंट्स है काफ़ी, अगर कुछ ना भी ला पाए तो वियतनाम फूड, नॉर्मल लोकल फूड भी आपको मिल जाएगा ऊपर टॉप पे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्पेशल जो है यहाँ पे लोग आते हैं, मैं भी इसी लाया, और गोल्डन ब्रिज, तो वहाँ काफ़ी क्राउडेड था, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था, वन टाइम तो करना ही था वो। और एक कोस्टर है, रोलर कोस्टर जिसके अंदर उसको आपको बैठ के स्लाइड करना रहता है, वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। 100,000 dong था, प्लस 80,000 dong फॉर द पिक्चर। हार्ड कॉपी देते हैं, और उस पर QR कोड होता है, स्कैन करके आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, अब तो उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो वो फोटो का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो आपकी पर्सनल चॉइस आपको लेना है, तो इट्स अप टू यू। और आप अकेले भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर काफ़ी एनर्जी चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग में आइएगा। मैं कुछ 10 बजे आया था सुबह, और मैं दानंग बीच, जो मेन बीच है दानंग में, माई बीच, वहाँ से मैंने ग्रैब बाइक बुक की थी। 150,000 dong हुआ, 20 से 30 kilometers का बीच का रेंज है, तो क्योंकि वो रीजनेबल रेट था तो मैं उसी से आया। अगर आप ग्रैब का बाइक्स एंड कार्स ये सब भी अवेलेबल है तो आपके ऊपर है, जो आपका जैसा बजट है, और क्लूक से तो और भी अच्छे ऑप्शंस हैं राइड बुक करने का। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को दूसरा नहीं पता था। और डायरेक्टली आके भी आप टिकट ले सकते हैं, 900,000 dong लगा था मुझे, नीचे देखा था मैंने। अगर बूफे लेंगे तो उसका अलग चार्ज है, 12,000 dong समथिंग। नीचे का आ ही गया ऑलमोस्ट, अभी ये वापस जा रहा हूँ ऊपर से नीचे पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ऊपर। और काफ़ी राइड्स भी हैं, राइड के ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि नाम तो नहीं पता, कार डैशिंग, जो आप लोगों ने बचपन में खेला होगा तो उसकी याद आता है, हमें वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और भी बाकी हैं, अगर आपको माउंटेन क्लिप करना है तो उसे पे हार्नेस लगा के ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। और गन्स वाले गेम्स हैं, आपको एम करना है, शूट करना है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ट्रेजर वाले जर्नी टू द अर्थ, 4D 5D शोज, एक हॉर्स के ऊपर बैठ के आपको एम करना रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस, उसका कोई चार्जेस नहीं है, लाइन रहती है, तो उस हिसाब से आपको जहाँ पे इंटरेस्ट हो यू कैन गो। ऑलमोस्ट नीचे तक का आ ही गया है, और व्यू बहुत अच्छा है। जब तब आया था तब बारिश हो रही थी, तो रेनकोट से अम्ब्रेला से सब रिकॉर्ड किया जितना हो सके। उसके बाद में बारिश चली गई, लेकिन व्यू बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पे वियतनाम में आएंगे तो दानंग में जरूर आना, और यहाँ से दूसरी सिटी भी नज़दीक है, हुआ इन जिसे कहते हैं, वहाँ नहीं गया, वहाँ जाऊँगा कल जाऊँगा, तो वो भी देखते हैं। 1.5 hours का है, सुपर एक्सपीरियंस अच्छा है। वियतनाम में आएंगे तो यहाँ की कॉफ़ी जरूर ट्राई करना, मैंने अलग से वीडियोज़ भी बनाए उसके लिए, कोकोनट कॉफ़ी एक ट्राई की, वो एक अच्छा था, गुड एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कोकोनट टॉप पे नीचे कॉफ़ी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स अ गुड वन। यहाँ पे स्टाफ फ्रेंडली है, और ऊपर इंटरनेट था, हाँ मेन पे इंटरनेट, तो मैंने तो रोमिंग एक्टिवेट करवाया है, तो रोमिंग मेरी जो यहाँ का लोकल सिम कार्ड है, सिम का नेटवर्क है वियतनाम कंट्री में, उसका नेटवर्क का रेंज था 4G, इट वॉज कैचिंग, कहीं कहीं टॉप पे नहीं था, तो उसे आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था मेरा एक्सपीरियंस, मेजर इसके आगे पीछे का दिखा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।